सुशांत सिंह राजपूत के घर पर आज ब्राह्मणों को भोजन कराया गया है, यानी कि उनकी तेरवी की है, जिसके बाद उनकी फैमिली ने उनको एक अलग तरीके से श्रद्धांजलि दी है। साथ ही पहली बार जो एक ऑफिशियल बयान जिसे हम कहते हैं वो उनकी फैमिली की तरफ से आया है। क्या क्या कहा है उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बताऊंगी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं रुद्रम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली ने एक बयान जारी किया है। सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद पहली बार ऐसा है कि सुशांत सिंह की फैमिली की तरफ से कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट आया है। उन्होंने क्या कहा है मैं आपको बता देती हूँ। आपके लिए सुशांत सिंह राजपूत और हमारे लिए गुलशन था। खुला दिल, बातूनी और तेज दिमाग वाला, हर चीज के लिए जिज्ञासु, हर बात को लेके उत्सुक रहने वाला, बड़े सपने देखकर उन्हें सच करने वाला, बड़े सपने देखना और उन्हें सच कर दिखाना उनका शौक था। मुस्कुराते तो खिल उठता परिवारों के बड़ों का गौरव और बच्चों के प्रेरणा, एक दूरबीन हमेशा साथ रखते, शनि ग्रह के छल्लों को निहारने का शौक जो था, हमें ये मानने में बरसों लगेंगे कि उसकी हंसी कभी हमारे कानों तक नहीं गूंजेगी। विज्ञान की बातें हमें समझाने की उसकी ललक हमें फिर से कभी देखने को नहीं मिलेगी। वे परिवार में कभी ना भरे जाने वाली रिक्तता छोड़ गए हैं, जिसे शून्य का स्तंभ है। उनकी स्मृति को संजोगने के लिए हमने सुशांत सिंह राजपूत फाउंडेशन की स्थापना की है। उद्देश्य है सुशांत सिंह राजपूत की पसंदीदा चीजें जैसे कि सिनेमा, विज्ञान और खेल में उभरती प्रतिभाओं का समर्थन प्रोत्साहन देना है। उनका बचपन पटना के राजीव नगर में बीता था। उनके आवास को हम उनका स्मारक बनाने जा रहे हैं। वहां पर उनके हजारों किताबें, दूरबीन, फ्लाइट, गिटार, फर्नीचर एवं अन्य चीजों का प्रदर्शित करने का विचार है। हमारी हार्दिक इच्छा है कि उनके प्रशंसक उनसे जुड़े रहे। सुशांत के इंस्टाग्राम पेज को करोड़ों प्रशंसक फॉलो करते हैं। हम इस लेगेसी अकाउंट की तरह चलाए रखना चाहेंगे, जिससे कि सुशांत के दिल का रिश्ता उनके प्रशंसकों के साथ जो है वो बना रहे। तो कुछ इस तरीके से, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली ने सुशांत सिंह राजपूत फाउंडेशन खोला है, जिसमें उन लोगों को, उन टैलेंटेड लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा जो कि सिनेमा में, खेल में और विज्ञान में आगे बढ़ना चाहेंगे। इस तरीके से श्रद्धांजलि दी है उनकी फैमिली ने उनको। क्या कहना चाहेंगे इस खबर के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी सभी अपडेट्स के लिए बने रहिए बॉलीवुड हेडलाइंस के साथ।